हाय स्टूडेंट्स, आई एम अमरीश गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिंग रेशनल नंबर्स। दे आर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है आखिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की? रेशनल नंबर्स को ऐड करने में क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, क्या सिखाती है हमको? देखिए, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जो ये बात बताई गई है ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लीजिए और आप उनको ऐड करिए, देन ऐड करने के बाद जो सम आपको मिलेगा, आई एम श्योर वो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक विशेष बात हुई ना रेशनल नंबर्स को ऐड करने की, कि ऐड करने पर आपको रेशनल ही मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही, इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, कि दिस सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दस क्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यू जो है ये सारे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन में जो रेशनल नंबर्स का एडिशन है वो क्लोज है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो किए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2/9 प्लस 4/9 ऐड किया तो ये हो गया 6/9, सिंप्लीफाई किया तो हो गया 2/3। तो 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि हमने जिनको ऐड किया था 2/9 एंड 4/9 वो भी हमारे रेशनल नंबर थे, राइट? तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है क्रम का बदल जाने से कोई फर्क न पड़ना। मतलब क्या हुआ, जैसे 2/9 और 4/9 इनको हम ऐड करें, 2/9 प्लस 4/9, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमको क्या मिला, 6/9, यानी कि 2/3। अब आप क्या करें, जब ये जो 2/9 4/9 थे इनके सीक्वेंस को चेंज करते हैं, मतलब 2/9 पहले लिखा था तो इसको बाद में लिखते हैं, और 4/9 बाद में था तो उसको आप पहले कर दें। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो कॉमन डिनोमिनेटर 9 लिख लेंगे, और जो न्यूमिनेटर है 4 और 2 उनको ऐड करेंगे तो फिर सेम है 6/9 मिलेगा, और 6/9 फिर 2/3 होगा। मतलब ये हुआ कि नंबर मेरे वही दो थे, 2/9 और 4/9। हम किसी को भी पहले रखें, किसी को भी बाद में, इससे उनके ऐड होकर आए हुए सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हो गया कि 2/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 4/9 प्लस 2/9, यानी कि सीक्वेंस को अगर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि a upon b plus c upon d is equal to c upon d plus a upon b। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेके देख सकते हैं, उनको आगे पीछे कर देंगे तब भी उनका सम वही आएगा। नाउ अब देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है, कि जैसे आपने कोई तीन रेशनल नंबर लिए, 3 रेशनल नंबर्स। अब आप सुनिए, जैसे आप रेशनल नंबर को दो रख दीजिए, जैसे मैं पर्सनल नंबर ले लीजिए, जैसे 1, 2, 3 ही मैंने ले लिया, 1, 2, 3 को अगर आपको ऐड करना है तो क्या आप तीनों एक साथ ऐड कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? आप ये तो करेंगे, पहले कोई 2 ऐड करेंगे, जैसे 1 और 2 को ऐड किया 3 आया, और फिर 3 में लास्ट वाला 3 हमने ऐड कर दिया तो 6 हो गया। या आप लास्ट वाले जो 2 हैं 3 और 2 इनको ऐड किया 5 आया, और 5 में 1 को ऐड कर दिया 6 आ गया, ठीक है? तो तीन नंबर को जब भी ऐड करना होता है तो हम लोग दो दो करके करते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आप देखिए 2/9 4/9 और 1/9 तीन नंबर हैं। अब इनको ऐड करने में हमने लास्ट वाले 2 पहले ऐड किए, मतलब 4/9 और 1/9 को ऐड किया तो वो आ गया 5/9। अब इस 5/9 में जो सबसे पहला वाला 2/9 है इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक और 7/9। अच्छा देखिए, नंबर तो यही तीन थे मेरे पास, 2/9 4/9 1/9। हमने पहले क्या किया, लास्ट के 2 लिए। अब हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट वाले 2 ऐड करते हैं, मतलब 2/9 और 4/9 को आपस में ऐड किया तो मिल गया 6/9। फिर प्लस लिखा है 1/9, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर हमें 7/9 मिला। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तीन नंबर है तो उन्हें हम फर्स्ट 2 को ऐड करके देन थर्ड को ऐड करें, या लास्ट 2 को ऐड करके
करें तो भी हमारे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इस चीज पढ़ते हैं अगली चीज पर एडिटिव आइडेंटिटी। देखते हैं ये क्या होती है। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। आप किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड कर दीजिए, आपको वही रेशनल नंबर मिल जाएगा आंसर में। तो इफ ए अपॉन बी इज एनी रेशनल नंबर देन ए अपॉन बी प्लस जीरो इक्वल ए अपॉन बी या जीरो प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो और इसी जीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। मतलब वो नंबर जिसको रेशनल नंबर में ऐड करने पर उस नंबर की और उस सम पर कोई फर्क ना पड़े, सम हमें वही नंबर मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन है, ऐसा नंबर सिर्फ जीरो है। तो जीरो सम पर कोई फर्क नहीं डालता, सम वही आता है जिस नंबर में हम ऐड करते हैं। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब यहीं पर मैं आपको स्पेशल बात बताता हूँ। देखिए जो कॉर्नर में मैंने एक पिक दी है, डू यू नो जीरो इज अ स्पेशल रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं आपसे कहूँ 10 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 10 को 10 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। क्या आप 10 को 10 अपॉन 2 थोड़ी ना लिख देंगे, 10 अपॉन माइनस 1 थोड़ी लिख देंगे। 6 को आप 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। लेकिन 0 जो है ना, ये बहुत स्पेशल नंबर है। 0 को हम 0 अपॉन 1 लिखते हैं, 0 अपॉन 10 लिखते हैं, 0 अपॉन 9 लिखते हैं, 0 अपॉन माइनस 6 लिखते हैं। 0 के अपॉन में कुछ भी लिखते हैं, बस 0 को छोड़ करके। ये 0 की स्पेशलिटी है, 0 एक स्पेशल नंबर है। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। माइनस ए अपॉन बी इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है, वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसी नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे 2/3, मैंने सिर्फ 2/3 बोला, अब मैं कहूँ इसका साइन कैसा है, तो जब कोई साइन नहीं बोला इट मीन्स पॉजिटिव है। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 होगा। अब जैसे मैंने एक नंबर बोला -5/7, तो -5/7, तो एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर किसी नंबर में किसी ऐसे नंबर को ऐड करें जिससे रिजल्ट में जीरो मिल जाए, तो ऐसे नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे कि 3/5 और -3/5, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। 3/5 का एडिटिव इनवर्स -3/5 और -3/5 का एडिटिव इनवर्स 3/5। एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो इज इटसेल्फ एडिटिव इनवर्स। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी इंटू इन ब्रैकेट सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। मतलब जो ये सबसे ब्रैकेट के बाहर ए अपॉन बी लिखा था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी अपॉन डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ई अपॉन एफ के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। और सी अपॉन डी ई अपॉन एफ के बीच में प्लस था, तो बीच में प्लस लगा दिया। तो हमने क्या किया, ए अपॉन बी का डिस्ट्रीब्यूशन किया ओवर एडिशन। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल हो गया 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/5। अब आप यहाँ पर जैसे 1/3 को आप बाहर रहने दें, तो पहले 2/5 प्लस 1/5 को ऐड किया तो हमें क्या मिला 3/5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने सिंपल ही कर दिया, मैंने चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी टू है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों पर। तो 1/3 इंटू 2/5 ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/15 और 1/3 इंटू 1/5 ये हो गया 1/15। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/15 यानी कि 3/15 और ये हो जाएगा 1/5। देखिए ये भी हमें वही मिला आंसर जो हमने सिंप्लीफाई पहले ऐसा ही किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a अपॉन b इंटू इन ब्रैकेट c प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन एफ। थैंक यू।